बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शनी तरफ वेलकम खुश आमदीद सारे तकने सुनने लगे कि अपने चैनल पोठवार एडवेंचर इच। नाजरीन हाजरी खिदमत जी, अज ने एक हिस्टोरिकल ते मुनफरिद जी वीडियो नाल वीडियो है जी अपने सोने खिता है पोठवार नी तहसील गुजरखान ना इलाका जी संघनी जी। नाजरीन इस टाइम असा मौजूद हाँ जी खिताए पठवार ने एक खूबसूरत जे मकाम उपर, जगह ना है जी संघनी किला। संघनी किले की तमीर ने हवाले की थोड़ी बहुत तारीख दसा कर ते इस बारे में दो राय मौजूद हैं जी। इस हवाले ना लिख राय मौजूद है कि इस किले की तमीर मुगलिया खानदान की है, मगर चूंकि पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले तक ये इलाका जड़ा है वो रियासत कश्मीर को सी कि जिसने पर डोगरा खानदान ने हुकूमत सी तो उन्ना ही इस किले पर कब्जा किया सी। जबकि दूसरी राय इस बारे में यह पाई जानी है कि इस किले की तमीर एक हिंदू डोगरा खानदान जिस 1846 से नहीं कि 1947 तक रियासत कश्मीर पर हुकूमत की थी उन्होंने इसकी तमीर की थी तो इस किले की जेल ने तौर पर भी इस्तेमाल किया जाना रहा जी। तो नाजरीन सो के नाल नाल ये भी दसने जुलसा जी कि इस किले ना एक ही मरकजी दरवाज़ा है और इसने चार बुरज ने जिन्हों पर पहरेदारों वास्ते जी मखसूस जगह भी बनी हुई हैं। किले ने हवाले कि मजीद भी दसने जुलसा जी कि इसने अंदर एक मज़ार मौजूद है जो कि हज़रत साहबजादा अब्दुल हकीम साहब ने जिन्हों का तलक बगदाद न ईरान से हिजरत करने हिंदुस्तान तशरीफ लाए। हिंदुस्तान हिजरत करने से बाद आख्या जाना कि हज़रत साहबजादा अब्दुल हकीम साहब अपनी इबादत वास्ते किला संघनी ली जगह ना इंतखाब किया। उस टाइम इतने किले की तमीर नहीं सी हुई और उन्होंने कुछ वक्त तक इतने इबादत भी की। मगर आया जाना कि जिस वक्त इस जगह पर किले की तमीर ना इरादा होया उस टाइम हजरत साहब की हिजरत करने पर मजबूर किया गया सी। और इस जगह से हिजरत ने वक्त हजरत साहब ने अल्फाज तारीख ये लिखे गए कि इस जगह पर किला तो तुसा लोग तमीर करने पे हो मगर इसने विच मुश्किल रहन सहन माड़ा हो सी। आख्या जाना कि हज़रत साहब ने इंतकाल सू 40-50 साल बाद उन्होंने चकराली शरीफ से इतने मुंतकिल किया गया सी और आज भी उन्होंने मज़ार इतने अंदर मौजूद है। ਤਬਕਾਂ ਅੰਦਰ ਥਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ
कदम टिका आया है। हाय हर हर दिल हर थां में इश्क समादाए, हर फरिश्ते इश्क ने कदम टिका आया है। आयन बादन आयनल हक सदावा इश्क दिया औखे पंडे दमिया इसके लिए ने बारे भी था कि मजीद भी दसने जुलसा जी कि इसने मगरबरी सैड पर पानी ने एक तालाब मौजूद है और आज ने आसार सो नज़र रचना जी कि उस वक्त ने रिहायशी जड़े से इसके लिए ने वो इसके लिए ने अंदर सोई अपने इस्तेमाल वास्ते इस तालाब पानी भरने होने से। नाजरीन आज ना साड़ा सफर सी नकाश भाई नाल। इंशाल्लाह उम्मीद करने हैं जल्द ही तुसा की पठवार एडवेंचर पर अपना खिता पठवार नहीं दस सोने पाकिस्तान नहीं मजीद अच्छी अच्छी जगह तकने की मिल सन। नाजरीन तुसा की दसने जुलसा अगर तुसा इसके लिए ना विजिट करना चाहो तो तहसील गुजर खान वाली साइड दरों तुसा बेवल शहर अच्छो बेवल शहर सो टकाल रोड पर ते टकाल ने बिल्कुल मगरब वाली साइड दर किला वाक्य है। और अगर तुसा तहसील कलर सैदा वाली साइड तो पहुंचना चाहते हो जी तो बैंक चौक ने मुकाम पर अच्छी के सुई चीमिया रोड पर तुसा इस किले तक पहुंची सकने हो। नाल ही नाल जी तुसा के दसने जुलसा कि चौक खालसा तक अच्छी कि तुसा टकाल रोड पर भी इस किले तक पहुंची सकने। उम्मीद करने हैं जी आज ने लोकेशन इसने बारे में मालूमात ते आज ने वीडियो तुसा की अच्छी लगी हो सी। रिक्वेस्ट इतनी जी है जी कि चैनल के सब्सक्राइब लाजमी कर सो नाल ही नाल वीडियो की दोस्तों नाल शेयर भी कर सो। इंशाल्लाह जल्द ही हाजिर हो सा नई वीडियो नाल। तब तक दे सो इजाजत फी अमान अल्लाह। अरे फरिश्ते इश्क ने कदम टिका आया है। हाय हर हर दिल हर थां में इश्क समादाए, फरिश्ते इश्क ने कदम टिका।